अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था जो आपका जो कुछ क्वेश्चंस थे, थ्री फोर लाइंस के जो क्वेश्चंस थे वो पढ़ रहे थे, और उसके जो है कुछ क्वेश्चंस अभी हमारा बचा हुआ था, तो आज हम वही पढ़ने वाला है, ठीक है। और मैंने आज जो है अपना आगे वाला जो मेरा फ्रंट इमेज आता था, वीडियो इमेज, वो अब मैंने नहीं डाला, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आपकी वही फ्रंट पे जो इमेज आता है उसकी उसकी वजह से ठीक से, यानी वो लोग नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। वैसे भी या मैं आप लोगों को लास्ट में जो है होमवर्क तो दे देता था, बट आगे मैं जो आप लोगों को देता था और वहाँ पर थोड़ा आपको नहीं दिखाई दे रहा था, वो सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए था, ठीक है। बाकी आप लोगों का ये इशू था तो मैंने वो सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आज से हम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहला देखिए डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जो है फोर्थ क्वेश्चन तक पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। वाटर डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रेंट येट इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, वाई। वाटर जो है हमें कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, लेकिन वो हमारे फूड की एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों, व्हाई, क्यों है, अब हमें इसको डिफाइन करने। देखिए, वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। आप सबको पता है हमारा सबसे जो है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड के वाटर, ठीक है। इट हेल्प इन, लेकिन ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखिए क्या क्या इसका काम होता है। इसका काम होता है सबसे पहला, इट हेल्प इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉक। मैंने आप लोगों का को कहा था कि जब बाहर से कोई शॉक हमारे जो सेल्स के अंदर आता है, तो वहाँ पे पूरे सेल टिश्यूज़ के जो है सराउंड में वाटर होता है, जिस वजह से हमारे सेल्स और वो टिश्यूज़ क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है उन शॉक से। पीला इसका ये फंक्शन होता है, ठीक है। दूसरा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आल्सो हेल्प इन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ये सारे चीज़ों में भी इसका रोल होता है। एंड एक्सक्रीट, लास्ट देखिए, एक्सक्रीट अनवांटेड मटेरियल्स फ्रॉम अवर बॉडी। जो हमारे बॉडी के अंदर अनवांटेड मटेरियल्स होता है, जो वेस्ट मटेरियल अनडाइजेस्टेड फॉर्म में होता है, उनको क्या करता है, बाहर निकालने में मदद करता है हमारा वाटर, ठीक है। एंड और क्या फंक्शन है, एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर थ्रू पर्सपायरेशन। पर्सपायरेशन मैंने आप लोगों को कहा था कि जब हमारे बॉडी के अंदर से जो है क्या होता है, बॉडी के टेम्परेचर जब मेंटेन रहता है, या वही हमारा क्या होता है, पर्सपायरेशन होता है, ठीक है। हमारे बॉडी से जब वो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होता है वो निकलता है, जैसे पसीना कहता है जिसको हम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी टेस्ट विच डिस्टिंग्विश शुगर फ्रॉम स्टार्च। ऐसा एक टेस्ट को आप डिस्क्राइब करना है, कोई टेस्ट करके जिसके थ्रू आपको समझ आ सके कि ये शुगर का है, ये स्टार्च का टेस्ट है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, देखिए, अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश स्टार्च फ्रॉम ग्लूकोज। एक टेस्ट जो स्टार्च को शुगर से क्या करे, या ग्लूकोज भी कह सकते हो, शुगर भी कह सकते हो, ठीक है, ग्लूकोज या शुगर से क्या कर सके, आपको डिस्टिंग्विश कर सके, तो ये टेस्ट होता है, इज टू शाइन अ बीम ऑफ लाइट थ्रू सॉल्यूशन ऑफ ईच। आपको दोनों का एक सॉल्यूशन बनाना है, इसके बाद क्या करना है, वहां से जो है लाइट का बीम क्या करना है, लाइट पास करवाना है, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होगा, फॉर शुगर इट्स कलर चेंज इनटू ऑरेंज रेड। अगर शुगर उसमें प्रेजेंट होगा तो उसके कलर कैसा होगा, ऑरेंज रेड कलर होगा। एंड फॉर स्टार्च, अगर उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होगा, इट चेंज इन टू ब्लू ब्लैक, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यही होता है, आप लोगों को ये पता भी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, इसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन माल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे पहले देखिए माल न्यूट्रिशन, इफ़ अ पर्सन इज कंज्यूमिंग सफिशेंट अमाउंट ऑफ फूड बट हैविंग ओनली फेवर न्यूट्रेंट एंड ऑल्सो कंज्यूम सम न्यूट्रेंट डेली ही सफर्स सेम न्यूट्रेंट्स डेली ही सफर्स फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। ऐसे बंदे होता है, माल न्यूट्रिशन उन बंदों के अंदर होता है जो सफिशेंट अमाउंट में न्यूट्रेंट को क्या करता है, कंज्यूम करता है, या वो लोग जो है हर रोज वही न्यूट्रेंट, वही सेम न्यूट्रेंट हर रोज खाने की वजह से उनके अंदर एक डिसऑर्डर आता है, एक कमी आ जाता है, जिसे माल न्यूट्रिशन कहता है, ठीक है। ये समझ आया, ओके। अंडर न्यूट्रिशन देखिए,
इफ ए पर्सन नॉट गेटिंग सफिशियंट अमाउंट ऑफ फूड, जब किसी पर्सन ऊपर तो हमने कहा कि जो न्यूट्रिशन या न्यूट्रेंट प्रॉपर अमाउंट में जब नहीं मिलता या वो सेम न्यूट्रेंट खाता है, ठीक है। यहाँ देखिए अंडर न्यूट्रिशन, इफ ए पर्सन आर नॉट गेटिंग सफिशियंट अमाउंट ऑफ फूड एज पर हिज डेली रिक्वायरमेंट, हर रोज की तरह अगर उस बंदे के अंदर वो फूड की जो है कंसंट्रेशन जिसके अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, ठीक है, अगर उसने वो क्या प्रॉपर अमाउंट में नहीं लिया, कम अमाउंट में लिया, प्रॉपर अमाउंट में नहीं लिया, तो वो बंदे क्या कौन से किस डिसऑर्डर से सफर होगा? अंडर न्यूट्रिशन से होगा, ठीक है। तो ये भी समझ आया, ओके। एंड द लास्ट एड क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज अ बैलेंस डाइट फॉर वन पर्सन नॉट नेसेसरी द राइट फॉर अनदर, राइट डाइट फॉर अनदर। देखिए जब कोई एक बंदा बैलेंस डाइट खाता है, ठीक है, तो दूसरे बंदे के लिए वही बैलेंस डाइट जो वो बंदा खा रहा है वो बैलेंस डाइट इस दूसरे बंदे के लिए क्यों नेसेसरी नहीं है, क्यों नहीं है, ये तो आपको याद पता भी होगा, ठीक है, क्यों नहीं है, इसका बस एक रीजन देना है हमें, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, बैलेंस डाइट फॉर वन माइट नॉट बी द आइडियल डाइट फॉर अनदर पर्सन रिक्वायरमेंट फॉर न्यूट्रेंट, ठीक है। यानी कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन होता है, ठीक है, यानी हर पर्सन के लिए जो है किसी एक न्यूट्रेंट का ही सेम न्यूट्रेंट जो है कंज्यूम करना वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता, ठीक है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एथलीट जो है कोई न्यूट्रेंट खाता है, फॉर एग्जाम्पल उसको प्रोटीन का कंसंट्रेशन जो है, प्रोटीन की न्यूट्रेंट्स जो है वो ज़्यादा चाहिए, तो इस पर्सन को कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है उस बंदे को क्या चाहिए, ज़्यादा उसको जो है विटामिन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा जो है अगर बीमार है तो उसको प्रोटीन नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में फिर से विटामिन चाहिए, ठीक है। इसी तरह से जब कोई हाई लेवल की कोई काम कर रहा होता है तो उस बंदे को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट होता है, ओके। तो आज जो है हमारा क्वेश्चंस जो है यही पे ख़त्म होता है, तो हम इंशाल्लाह कल जो है डिटेल में जो है कुछ लॉन्ग आंसर्स है वो करेंगे, ओके। खुदा हाफिज, तब तक के लिए इंशाल्लाह कल फिर से मिलेंगे, गुड बाय डियर स्टूडेंट्स।